one thing that some कैंडिडेट्स और आई हैव मिस्ड इन एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, कि आप हेल्प सीक नहीं करते हो. तो हेल्प सीक करो, आप जेन्युइन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करो और उससे फिर आप हेल्प सीक ज़रूर करो. Hi everyone, welcome to another interview under RBI interview series. Aaj mere saath hai Harbir, who has cleared RBI in the year 2022. Harbir has a very interesting story to tell. He's a UPSC aspirant. He was a UPSC aspirant and a very fresh graduate out of school, out of college, when he decided that he wanted to appear for UPSC. He has some work experience as well, a very strong rural background. He comes from the roots of India. And Harbir has a very interesting point of view regarding his preparation of RBI. बहुत सारी interesting, बहुत सारी अच्छी बातें करने को मिलेंगी. My first question to you, Harbir, is अपने बारे में थोड़ा सा students को मैं चाहता हूँ आप बताएं कि किस तरह से after your graduation, how did you move forward? Work experience रहा, why did you decide कि मैं UPSC की तैयारी करता हूँ? उसके बाद Why did you decide कि मैं RBI की तैयारी करता हूँ? What was the journey like? बेसिकली यूपीएससी कॉलेज के बाद जॉब स्टार्ट हुई. अब ग्राउंड से जैसे आपने बोला कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे उन सर्विसेज का हो रहा है, प्लस काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने का मौका इन सर्विसेज के थ्रू मिलता है. सो दैट वाज द बेसिक मोटिवेशन दैट आई विल गेट टू वर्क फॉर द पीपल एट माई प्लेस और एट इक्वल फुटिंग. तो वो मोटिवेशन थी. उसके बाद मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए, 3 मेंस मैंने लिखे, फिर वो नहीं हुआ. तो भाई बीइंग प्रैक्टिकल आई डिसाइडेड टू स्विच, और उस स्विच में फिर आरबीआई कंसिडरेशन, नो नॉलेज उसकी सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल से ही आई. जब ग्रेजुएशन की या फिर मैंने यूपीएससी स्टार्ट की, तब मुझे इसका नहीं पता था. वो फिर फ्रेंड सर्कल और से ही बेटर आइडिया लगा. कुछ ने अटेम्प्ट्स दिए थे, तो उसके बाद जॉब प्रोफाइल देखी, तो भाई सिमिलर लेवल, सिमिलर चीज़ें करने को मिल रही हैं. आईएएस और आईपीएस इन सब में डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, तो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क आरबीआई में भी मुझे मिल रही है. आप एक दिन फॉरेक्स देख रहे हो, तो अगले दिन हो सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर रहे हो, आप फिनटेक में जा सकते हो. तो और जो सर्विस कंडीशन और बाकी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देता है, एक सेटिस्फेक्शन देता है. तो दैट वॉज माई मोटिवेशन टू गो फॉर आरबीआई. हम लोग बात कर रहे थे तो मेजर पॉइंट जो मुझे लगा वो लगा कॉमन सेंस वाला, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन नाउ डेज. तो इसके ऊपर थोड़े से इंस्टेंसेस मैं चाहता हूँ कि शेयर करो कि हाउ डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम यूपीएससी प्रेप, और वहाँ की लर्निंग से, वहाँ के फेलियर्स के से किस तरह से अपनी आरबीआई प्रिपरेशन को रिफाइन किया. हाउ डिड यू यूज़ योर कॉमन सेंस टू मेक श्योर कि पहले ही अटेम्प्ट में आरबीआई क्लियर हो जाए. तो यूपीएससी में जो मैंने 3 प्रीलिम्स निकाले, बट मैं 3 मेंस में फेल हुआ. तो उसमें सबसे बड़ा इशू यही था कि मैं एग्ज़ाम कंडीशन को सिमुलेट नहीं कर रहा हूँ. अब अगर मैं 3 घंटे का पेपर सवा 3 घंटे में लिख रहा हूँ, या मैं ब्रेक लेके लिख रहा हूँ, तो वो मुझे हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे टाइम मुझे नहीं मिलेगा. तो आपको देखना पड़ेगा कि आप रियल एग्ज़ाम कंडीशन कितना देख पा रहे हैं, जो एग्ज़ामिनर पूछ रहा है उस चीज़ पे आप कितना आंसर कर पा रहे हो उस चीज़ को. आपको बस अपने मन की शांति के लिए ये नहीं करना है, हाँ भाई ये क्वेश्चन हो रहा है. आप उन कंडीशन में कि आपको 6 मिनट में एक मेंस का आंसर लिखना है, तो वो चीज़ आप कर पा रहे हो, यानी आपको वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी, आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा. तो वो चीज़ आपको बार बार देखनी पड़ेगी. सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी. अब करंट अफेयर मैगजीन जैसे रहता है, तो अलग अलग सजेशन होते हैं, कुछ काफ़ी कॉमन है. अब उसमें वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाइडन हो जाती है, अराउंड 100+ पेज स्ट्रेच हो जाता है. अब वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे थोड़ा कम चाहिए, बट मैं उसको बार बार पढ़ लूँगा. और मेजर पॉइंट वो ये कि आप कितना वहाँ पे रिकॉल कर पाते हो. वो रिकॉल होगा जब आप उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे. तो उसी अकॉर्डिंग मैंने एक छोटी सी मैगजीन रखी. मैं पेपर पढ़ता था, तो मेरी उससे चीज़ें डेवलप हुई. मैंने रियल एग्ज़ाम कंडीशन को सिमुलेट किया. मैंने कभी क्वांट रीजनिंग इनको कि एकदम मैं अलग से करके गई, हाँ मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन करना है, इस ऐसे लेके मैं नहीं बैठा. मैंने सिर्फ मॉक्स लगाए और उसमें ही चेक किया कि हाँ भाई ये मेरी गड़बड़ी हो रही है. इनफैक्ट जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज भी थे
उसको ही मैंने वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। इंग्लिश मैं रिलेटिवली कंफर्टेबल हूँ, बट उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। उसमें भी अब मेरा किसी पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें गलत हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल जो सेंटेंस अरेंजमेंट रहता है उसमें मैं गलतियाँ कर रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिस कर रहा था मैं कि हाँ भाई इसके इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए। तो वो फिर मैंने जाना थ्रू सोल्यूशन बाई डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, और उस चीज़ को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को आंसर करना पड़ेगा, आपको खुद को कि खुद मेरी कमी बस मुझे इससे अच्छा लगेगा वो आंसर करके ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। एंड वन थिंग दैट सम कैंडिडेट्स और आई हैव मिस्ड इन एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, कि आप हेल्प सीक नहीं करते हो। तो हेल्प सीक करो, आप जेन्युइन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करो और उससे फिर आप हेल्प सीक ज़रूर करो। क्या क्या इंस्टेंसेस रहे जहां पे तुमने हेल्प सीख की एंड वेयर इट हेल्प्ड यू, एक्चुअली हेल्प्ड यू, सम एग्जांपल्स? मुझे तीनों स्टेजेस पे अलग अलग इंडिविजुअल मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे फ्रेंड हैं उत्कर्ष, उन्होंने फेज़ 1 निकाला, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने अपने एक खुद के रिसोर्सेज तो बताए कि ये चीज़ करो। उन्होंने अपना एक फ्रेंड भी रेफर किया, फ्रेंड के टच में डाला कि हाँ भाई कि इससे बात कर लो, ये RBI की तैयारी कर रहा है, ये तुम बता देगा। तो उसने फिर मुझे रिसोर्सेज बताए, वो अभी तक भी मेरे टच में है, प्रभात। फिर फॉर्चुनेटली फेज़ 1 के टाइम पे मेरे साइड में जो कैंडिडेट था उससे मैं बात करने लगा। 10-15 मिनट का टाइम होता है तो उसमें चलो भाई बात ही कर लेते हैं। वो बंदा काफ़ी फ्रेंडली था, उसने बात की विश्वास। तो उसने लास्ट ईयर फेज़ 1 निकाला था, फेज़ 2 में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने फिर फेज़ 1 के बाद उससे बातचीत हो गई स्टार्ट, तो उसने इंग्लिश में मेरी काफ़ी हेल्प की। फिर फेज़ 2 का रिजल्ट आया, वो हो गया, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन की बात आई। अब ग्रुप्स में थोड़ा डिस्कशन हो रहा था तो मैंने जो बंदा था मेरी साइड का कि मेरी प्रोफाइल समझेगा, उसको मैंने पर्सनल मैसेज किया। उसने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया हुआ था, उसे काफ़ी आइडिया था चीज़ों का, प्रदीप। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। इनफैक्ट उसका इंटरव्यू मेरे से 1.5 महीने पहले ख़त्म हो गया, बट वो कंटिन्यूसली मेरे मॉक्स लेता रहा। मैंने 6 मॉक इंटरव्यू ऑफिशियली दिए हैं, बट आप रियली देखोगे तो मेरे मॉक इंटरव्यू 36 के अराउंड रहे कि जो सब एरियाज कवर रहे हो गए। और इसके अलावा भी मेरे फ्रेंड्स थे जो UPSC के टाइम थे, उनसे मैं अपने क्वेश्चंस आंसर प्रोफाइल डिस्कस करता रहा। तो वो सब रहा कि मेरी किस्मत कह लीजिए कि वो बंदे मिलते रहे और मैंने उनसे हेल्प ली और ये चीज़ें गो थ्रू हुई। यू आर टॉकिंग अबाउट फेज 2 इंग्लिश, कि प्रभात ने या किसी स्टूडेंट ने हेल्प करी फेज 2 इंग्लिश में। तो फेज 2 इंग्लिश में ऐसा क्या किया एंड व्हाट वाज योर अप्रोच लाइक? मतलब क्या एनालाइज किया, क्या समझा एंड किस तरह से फेज 2 इंग्लिश को यूज़ किया अपने स्कोर बढ़ाने में? फेज़ 2 इंग्लिश काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कंपेयर टू ESI एंड FM, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि तीन ही चीज़ें रहती हैं उसमें, ऐसे है, कॉम्प्रिहेंशन है और प्रेसी है। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी आपको उधर ही एड्रेस करना, उसके लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस में आना है कि हाँ भाई प्रेसी इस तरीके से लिखना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से लिखना चाहिए। तो वो चीज़ अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो 60-70 मार्क्स आप वहीं पे फ्री के उठा रहे हो। 40 मार्क्स ऐसे में भी आपको तीन चीज़ें जो कैंडिडेट्स वो पहले कैंडिडेट्स हैं या अलग अलग जगह से पता चलती हैं कि आप तीन चीज़ों फोकस करो, वर्ड लिमिट, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। तो उससे चीज़ें ऐसे में भी आपको रिलेटिवली अच्छा स्कोर रहेगा। तो इंग्लिश थोड़ा इजियर सब्जेक्ट है जो आप टारगेट कर सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए। तो उसमें जो मेरी अप्रोच थी, मैंने ऐसे तो लिखे ही, कंटेंट मेरा UPSC बैकग्राउंड है तो उससे तैयार था, उसमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, बट उसमें भी मेहनत की बट उतनी नहीं जितनी एक नॉर्मल कैंडिडेट को करनी पड़ेगी। बट जब प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन की बात आई, तो जो लास्ट ईयर के मैंने प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरा एक मेजर सोर्स रहा, क्योंकि उससे मेरे सोर्सेज रेस्ट्रिक्टेड रह गए। मैं ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं स्विम कर रहा था, मेरे लिए एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बन गया, मुझे सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करना है। तो उस वजह से अब प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन था, प्रेसी अब उसमें आ रहा है कि वो 180 वर्ड्स है, तो जो कॉमन सोर्सेज वहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो भाई 782 वर्ड्स हो जा रहे हैं, उसका मैं 180 करूँ, नहीं ये नहीं पूछते वो। तो फिर मैंने UPSC के जो पेपर्स थे उनको रेफर किया, बीट फॉरेस्ट सर्विसेज इंग्लिश और सिविल सर्विसेज इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी पेपर। तो
तो वहां पे वो कहीं ना कहीं सिमिलर मैचिंग थे, थोड़ा लेवल अप डाउन होता रहता है, बट उससे मुझे प्रैक्टिस मिली बोथ इन प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो मैंने लास्ट ईयर 3-4 साल के प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन उठाए, उनको अटेम्प्ट किया, और इन इंडिविजुअल्स को जो मैंने मेंशन किए उनको भेजा, उनसे फीडबैक लिया, और उस चीज़ में मैंने वर्क किया। तो ऑल दो इस साल का इंग्लिश का पेपर थोड़ा सरप्राइजिंग था कैंडिडेट्स के लिए, थोड़ा टफ भी था क्योंकि 300 to 600 वर्ड्स हो गया था, प्रेसी भी थोड़ा टफ था, कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा टफ था, बट मेरी प्रैक्टिस थी तो उस वजह से मेरा ऐसे भी 600 था, 608 वर्ड्स मैंने अटेम्प्ट किया, कॉम्प्रिहेंशन मेरा विद इन 2-3 वर्ड्स के लिमिट में पूरा था, और सॉरी प्रेसी 2 ± 2-3 वर्ड्स में कंप्लीट था, और कॉम्प्रिहेंशन भी मेरा उसी तरीके से था। अब कॉम्प्रिहेंशन में भी मैं क्या गलती कर रहा था, पहले जब मैंने प्रैक्टिस की देखा कि मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा हूँ बाद में क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो मुझे फिर से कॉम्प्रिहेंशन को रेफर करना पड़ रहा है। तो मैंने पहले क्वेश्चन रख लिए 1, 2, 3, 4, फिर मैं जैसे जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा हूँ मैं वो पॉइंट्स ऐड करता रहा उसमें कि हाँ भाई ये लिख लो, और फिर सिंपली यू हैव टू टाइप। तो दीज आर थिंग्स। तो जो फेज 2 इंग्लिश होता है, इसमें हाउ मच डिड यू प्रैक्टिस, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया तुमने, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स? नॉर्मली प्रैक्टिस कम करते हैं बिकॉज द फोकस इज मोर ऑन ESI एंड FM. अगर तुम्हारी स्पेसिफिकली बात करें, हाउ मेनी आवर्स ऑफ प्रैक्टिस डू यू थिंक यू मस्ट हैव स्पेंड ऑन इंग्लिश? मेरा टारगेट रहता था कि मैं डेली 1.5 आवर का जो पेपर रहता है वो अटेम्प्ट करूं, ऑल्दो वो चीज़ कुछ ESI FM कह लीजिए या मेरी खुद की लैक कह लीजिए कि वो मैं नहीं कर पाया उतना, बट स्टिल मैंने अराउंड 6-7 प्रेसी और 6-7 कॉम्प्रिहेंशन और 5-6 ऐसे लिखे ही हैं, मैंने राइट टाइप टाइप किए हैं, मैंने राइट लिखे नहीं हैं। गुड इनफ. लेट्स कम टू फेज 1, बिकॉज फेज 1 में यू वर टेलिंग मी कि बहुत एक सुलझी हुई और उस 45 दिन 50 दिन को बहुत अच्छे से यूज करके तुमने एक प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की. सो व्हाट डिड यू डू इन बिफोर फेज 1 प्रिपरेशन, मतलब जो नोटिफिकेशन आया उससे लेके फेज 1 तक क्या क्या आपने किया? फेज 1 पहले तो आपको पैटर्न ही समझना पड़ेगा। मैं मुझे याद है जब मैं पूछ रहा था इसमें और मैंने तभी एक मॉक लगाया तो मैं डायरेक्ट क्वांट जंप कर रहा हूँ और मैं पीछे नहीं मूव कर पा रहा हूँ, तो मेरे फ्रेंड से मैसेज कर रहा हूँ भाई इसमें पीछे मूव कर पाते हैं या नहीं, मेरे 10 मिनट जीए के बच रहे हैं, मैं रीजनिंग का क्वेश्चन उठा के रख लूँ और मैं क्वांट वाले में आगे कर लूँ और फिर उधर जाके लगा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो ऐसी पोजिशन से मैंने स्टार्ट किया, बट वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहे, मॉक्स मेरा मेजर फोकस रहा, मॉक्स में मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया कि किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस मैं गलत कर रहा हूँ या किस टाइप के क्वेश्चंस मैं सही कर सकता हूँ। अब रीजनिंग, और जैसे अब रीजनिंग में बात करूँ, रीजनिंग में जैसे आपको 60 क्वेश्चंस हैं, 45 मिनट्स हैं, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट हाफ को भी सॉल्व करना। तो अब आप कौन से हाफ को छोड़ रहे हो और आप पढ़ ही नहीं रहे हो कि क्योंकि आपका टाइम बचेगा। मेरे इनिशियल मॉक्स में ये हो रहा था कि मैं 10-15 क्वेश्चन टच ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें ऐड से एटलीस्ट 50% तो इजी थे जो डूएबल थे, तो 7-8 मार्क्स मैं वहाँ पे छोड़ रहा हूँ ऑन द टेबल। तो मैंने वो चीज़ आइडेंटिफाई कि मैं किस थंब रूल से कि क्वेश्चन छोड़ ही दूँ। अब जैसे जो पजल्स रहती हैं उसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है काफ़ी, तो मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन 5 क्वेश्चन है तो अब 5 मिनट लगा लीजिए, 5 मिनट में वो एड्रेस करना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने सिंपली अगर स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे 2-3 बार इन्फॉर्मेशन ही गैदर करने के लिए, तो मैं उसको स्ट्रेट अवे स्किप कर दे रहा हूँ और मैं आगे मूव कर जा रहा हूँ। तो ये अप्रोच रही रीजनिंग के केस में। इंग्लिश के केस में भी अगर मैं पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन अगर गलत कर रहा हूँ, मैं कोई ग्रामर रूल मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से एरर स्पॉटिंग या और कुछ मेरा गलत हो रहा है, तो वो मैं निकाल के अलग से रख ले रहा हूँ कि हाँ भाई ये रूल है, रिमेम्बर दिस रूल, ये ईच एंड एवरी इस तरीके से यूज होगा, ये आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है तो आपको ये चीज़ें आप देखो कि इंफॉर्मेशन किस सेंटेंस में क्या प्रोवाइडेड है, किस तरीके के नाउंस प्रोनाउंस यूज हुए हैं। उसके बाद क्वांट, क्वांट ऑल्दो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था बट उसको मैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, तो जो अरेंजमेंट रहता है सीरीज अरेंजमेंट रहता है तो उसमें मैं या तो फंस जा रहा था या मैं सारे सॉल्व नहीं कर पा रहा था, मुझे आइडिया नहीं लग रहा था, तो मुझे जितने भी मिल रहे थे टेस्ट में पैटर्न्स मैं वो निकाल ले रहा था क्योंकि उससे फिर मुझे ये आइडिया हो गया कि हाँ इस टाइप का पैटर्न भी बन सकता है, तो उससे मैं फिर
जो मेमोरी में रिकलेक्शन रहता है, तो वो रिकलेक्ट करना मेरे लिए पेपर में थोड़ा रिलेटिवली इजी रहा। बट मेरा मेजर जो हार्डवर्क था उस पॉइंट पे, वो जीएमए था, और जीएमए स्कोर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, 50+ मेरा रहा। तो यूपीएससी प्रिपरेशन तो था ही सर्टेनली, बट उसके अलावा मेरा पहले मैंने फ्रेंड से ही पूछा रिसोर्सेज क्या हैं, अब उन रिसोर्सेज में मुझे किस इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, उसके लिए मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को रेफर किया। अब जैसे मैं 2021 के पेपर की बात करूं, तो मार्च में पेपर था और उसमें स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस में लिखा आ रहा है अक्टूबर 2021 में ये हुआ है, तो इसका मुझे बताइए। भी पिछले 2-3 मंथ्स तो क्रूशियल है ही बहुत ज़्यादा, बट जैसे लिखा हुआ अक्टूबर 2021, तो मैं गिन रहा हूँ कि 6 मंथ्स हैं, तो भाई 6 मंथ्स देखो आप, 6 मंथ्स से ज़्यादा मैं उसको वाइडन नहीं कर रहा हूँ। फिर उसमें कंपनीज वगैरह के भी डिटेल्स पूछ रहे हैं कि टारगेट किस तरीके के हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, BT, TCS, इन्फोसिस, सस्टेन, तो उस तरीके के फिर मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं निकाल ले रहा हूँ अपने आप से, तो वो मेरा फोकस रहा। उसके अलावा मैंने बजट डॉक्यूमेंट भी, मैंने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था उसी को रेफर किया, उससे 5-6 क्वेश्चन मेरे काफ़ी इजीली सॉल्व हुए, और स्कीम्स जो करंट उसमें थी और RBI नोटिफिकेशंस थी, उसका मैंने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सिंपली उसको समझ लिया, और वो थोड़ा समझना मेरे लिए इजी रहा, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों की डेवलप हो गई थी। तो बजट का एक मेरे दिमाग में सवाल आया कि इफ यू नेवर रेफर टू द ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो ऐसा क्या देखा दैट यू डिसाइडेड कि यहाँ पर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठाऊंगा? वो सिंपली अगेन द पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट अब 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं बजट डॉक्यूमेंट में देख रहा हूँ, तो अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो हार्डली 20-25 पेज हैं, और उसमें वो काफ़ी स्पेस्ड आउट है, तो आप और वो मतलब स्पीच है वो बेसिकली, और जो काफ़ी अच्छे इंडिविजुअल्स ने लिखी हुई है, इंडिया का पॉलिसी सेट कर रही है वो चीज़, तो उसको रेफर करना उतना टफ नहीं है, और उसको समझना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वो जनरल पीपल को भी एड्रेस कर रही है, तो अगर आप RBI में मूव कर रहे हैं तो वो समझना आपके लिए थोड़ा इजी रहना चाहिए। तो फेज वन की तुमने जब तैयारी करी, 1-2 महीने लगाए आफ्टर नोटिफिकेशन, व्हाट वाज इट दैट यू डिड डिफरेंटली, या फिर क्या ऐसा सही किया जिसकी वजह से फेज वन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और फेज फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा एग्जाम भी क्लियर हुआ? तो ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट को बताना चाहोगे कि वो ये चीज करें अपने आने वाले एग्जाम में? उसमें रिसोर्सेज आप रिस्ट्रिक्टेड रखो, और रिसोर्सेज अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए रखो, और आपको ये देखना है कि आप रिवाइज कितने टाइम कर सकते हो पर्टिकुलर रिसोर्सेज को। अगर आप 200 पेज 7 बार पढ़ सकते हो उस गिवन पीरियड में, तो रखो आप, नो इश्यू। अगर नहीं रख सकते, थोड़ा कम ऊपर नीचे आप रखो उस चीज़ को। तो फर्स्ट थिंग इज कीप योर रिसोर्स रिस्ट्रिक्टेड, सेकेंड इज कि प्रैक्टिस इन रियल एग्जाम कंडीशन। 2 घंटे का पेपर है, फ्लो में है, करो उस फ्लो में। अब आप क्वांट अलग से लेके बैठोगे तो थोड़ा इश्यू रहेगा, क्योंकि वो एंड में आता है, आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस काफ़ी हैं, तो अगर आप सिर्फ क्वांट लगाओगे तो आप थोड़ा फ्रेश रहोगे, फोकस्ड उस पर रहोगे, तो वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा। वो आप थोड़ा और पहले कर सकते हैं चीज़ें, कि पेपर नहीं हुआ है, 2-1 महीने बचे हुए हैं, तब आप उन चीज़ों को एड्रेस करो, बट जब जैसे जैसे क्लोज आता जाए तो आप रियल एग्जाम कंडीशन को सिमुलेट करने की ज़्यादा कोशिश करो। देन एनालाइज व्हाट यू आर डूइंग, कि अब फेज मॉक दिया है आपने, उसमें किस टाइप की गलतियाँ हो रही, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपसे छूट रही है, कोई आप रूल मिस कर रहे हो, या आप पढ़ने में थोड़ी गलती कर रहे हो क्वेश्चन की, वो नॉट पूछ रहा है और आप यस वाली चीज़ आंसर कर रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ों पर थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो वो रियल एग्जाम में वो मिस्टेक्स नहीं होंगी, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। एंड द लास्ट थिंग इज कि रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, योर रिसोर्सेज, योर मिस्टेक्स, एवरीथिंग। एनालिसिस पे एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पूछने की कोशिश यहाँ पे करना चाहता हूँ कि एनालिसिस में डिड यू डिवाइड योर एनालिसिस इनटू डिफरेंट पार्ट्स? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन सही किया और ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, मैंने तुक्का मारा, तो मैं एक्चुअली मेरे टेस्ट में तो ये प्लस हो गए मेरे मार्क्स, बट मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो क्या इस तरह से कुछ पॉइंटर्स बना के एनालिसिस किया गया था कि मेरा एक्चुअल स्कोर क्या होगा, या फिर जो मैंने क्वेश्चंस गलत किए वो क्यों गलत किए?
उनका रीजन आएगा। उसमें तो जो गलत क्वेश्चन थे उनको तो एड्रेस करना था ही, उसमें भी गलत क्वेश्चन आप वो ढूंढो जो आप कर सकते हो। पजल्स जो रहती थी उनके सॉल्यूशन को जनरली नहीं देखता था, क्योंकि मुझे पता है वो एंड एग्जाम मुझे छोड़नी है, कि पर्टिकुलर लेंथ से आगे मुझे छोड़ना ही है, तो मैं उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है मुझे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, तो कोई अगर रूल मिस कर रहा हूँ तो उसको मैं तो देखूंगा ढंग से, उसको मैं अलग से नोट करूंगा। क्वांट में खुद का स्ट्रॉन्ग एरिया मान रहा हूँ, तो क्वांट में अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ तो मैं निकाल लूंगा अलग से। ऑल्दो अगर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो उसको मैं नहीं रखूंगा साइड में, बट किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अगर नया आया हो और मैं उसको टाइम लगा के कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ तो मैं उसको अलग से निकालूंगा। जीए में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन ही पूछी है तो मैं उस चीज को रख लूंगा, बट उस चीज को मैं ज्यादा नेगेटिवली नहीं देखूंगा। अब आपको सब चीजें नहीं पता हो सकती, बट अब कुछ चीजें डिड्यूस करते हैं आप एग्जाम में, एलिमिनेट करते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता थी उस चीज से आपने उसको दिया, कि स्कीम आपको पता है कि बेसिक आइडिया रफली है इस चीज को एड्रेस कर रही है, बट उसमें फिर आप उस चीज को डिड्यूस करके कि हाँ इस चीज से नेक्स्ट चीज निकलेगी या नहीं, अगर वो चीज गलत हो रही है तो फिर मैं थोड़ा स्कीम को रिविजिट कर लूंगा या उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऐड कर लूंगा। तो वो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन एंड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स, थिंग्स विल कीप मूविंग। इंटरव्यू पे आते हैं, बिकॉज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की, क्या स्ट्रैटेजी थी, किस डायरेक्शन में तैयारी की, और एक्चुअल इंटरव्यू में क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द इंटरव्यू रूम, थोड़ा कैन यू टेक अस थ्रू दैट प्रोसेस। इंटरव्यू में बेसिकली जो पहले जो कैंडिडेट्स थे या सिलेक्टेड थे या फिर कोचिंग्स ने भी बता रखा था कि भाई बायोडाटा इम्पोर्टेंट है, तो बायोडाटा पे पूरा फोकस रहेगा। आरबीआई के सर्टेन थिंग्स हैं, बीट सर्कुलर, वेबसाइट, स्पीचेस, इंटरव्यूज, तो वो सब चीज़ों पे फोकस रहेगा। तो मेरे केस में बायोडाटा मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। बायोडाटा मेरा थोड़ा डाइवर्स था कि कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड टू गोइंग टू आईआईटी वर्किंग विद टाटा मोटर्स, देन यूपीएससी, इन बिटवीन आई हैड डन सेवरल अदर थिंग्स इंक्लूडिंग होल्डिंग पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉलेज, डूइंग इंटर्नशिप आउटसाइड ऑफ माई डोमेन। आई वॉज डूइंग पॉलिसी रिसर्च इंटर्नशिप विद एन एम पी, आई हैव ऑल्सो वर्कड विद एन एन जी ओ, तो आई नो कि प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग था, थोड़ा अलग था, तो आई वॉज गिविंग देम सफिशियंट स्पेस टू आस्क मी क्वेश्चन। और जो पैनल मेंबर है वो भी थोड़ा देखना चाहेंगे, यूजुअल इंफॉर्मेशन जो चीजें हैं वो उन्हें पता है, टेक्निकल चीजें, वी कांट स्कोर मच ऑन दैट पार्ट, आप डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। तो प्रोफाइल में आप और बायोडाटा में आप थोड़ी ऐसी चीजें ऐड करनी जरूरी हैं जो जिससे वो आपको समझ पाए, तो वो मेरा फोकस था उस चीज पे कि वो मुझे जाने, मेरी नॉलेज तो वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तो उस पे मैंने काफी ज्यादा फोकस किया कि बायोडाटा भरा क्या है, स्पेसिफिक वर्ड्स की एम्फेटिक जो वर्ड लगे तो उन चीजों पे मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहा, और उसकी मैंने फिर प्रैक्टिस भी उसी अकॉर्डिंग की। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुझे कैंडिडेट जो एस्पिरेंट थे साथ में प्रदीप वो मिल गए थे, उसके अलावा मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स भी थे, यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम के फ्रेंड्स भी थे, तो उनको मैंने बायोडाटा भेजा तो उन्होंने भी कुछ पॉइंटर्स दिए कि ये चीजें पूछेंगे, इस चीज को आप ऐसे बोलो, स्ट्रेंथ वीकनेसेस था, तो ही मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ चीज काफी नॉर्मल मान रहे हो बट वो चीज एक्चुअली एक स्ट्रेंथ है, तो वो सब चीजें उन्होंने मुझे थोड़ी और हेल्प की कि हाँ आप इस चीज को ऐसे पॉइंट आउट करो। फिर था कि मैं कुछ चीजें अपनी नेगेटिवली ले रहा था कि भाई मेरा गैप ईयर आ गया, मैंने ये चीज छोड़ दी है, तो उन चीजों को भी उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव वे में डाला कि नहीं भाई ये चीज काफी अच्छी है, ये चीज तुम्हारी ये क्वालिटी दिखाती है, तो उस चीज से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और फिर मेरा जो प्रैक्टिस था जो अराउंड 30+ सेशन मैंने किए और 5-6 मॉक इंटरव्यूज थे, तो उससे मैं इंटरव्यू आने तक काफी कंफर्टेबल हो गया था अपने बारे में, और टेक्निकल चीजें मैं कवर कर ही रहा था, बीट स्पीचेस, और स्पीचेस वगैरह केस में भी मैं बोलूं तो आप उसी में बायोडाटा फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरा मैथ ऑप्शनल था, मैंने प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट देखी थी या फिर अभी की जो ट्रांसक्रिप्ट आ रही थी, अब उसमें क्वेश्चन था कि मैथमेटिक्स और सेंट्रल बैंकिंग क्या रिलेशन है, तो मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे 2013 की एक स्पीच मिल गई,
डेप्यूटी गवर्नर ने एक इंस्टीट्यूशन में दी थी, तो उस स्पीच को फिर मैंने रेफर किया कि हाँ भाई ये कनेक्शन है, मैथमेटिक्स इस तरीके से इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज हैं, तो उससे मेरा वो कवर हो गया। रूरल बैकग्राउंड है, रूरल बैकग्राउंड के केस में आपके जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स हैं वो आप कोऑपरेटिव मूवमेंट बोल लीजिए या रीजनल रूरल बैंक्स बोल लीजिए, तो उसके बारे में मुझे आइडिया लेना था, तो स्पीचेस तो मैंने रेफर की। उसके अलावा मैं उन इंस्टीट्यूशंस में गया भी, वहाँ पे लोगों से बात की, मैंने खुद माइंड में थोड़ा एनालाइज किया कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हेल्प कर रही हैं, ये इस बंदे को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इस तरीके से और अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। तो लुक अराउंड योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, दैट इज द की मंत्रा फॉर इंटरव्यू इन माई ओपिनियन। तो जो गैप ईयर वाला पॉइंट था जिस पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स आर नॉर्मली वरीड कि कैसे जस्टिफाई करें, क्या बोलें क्या ना बोलें, व्हाट वाज योर अप्रोच टू दैट क्वेश्चंस आंसर? फ्रेंकली मैं भी काफ़ी वरीड था उस में, और ट्रांसक्रिप्ट्स आती थी जो मतलब करंट इस साइकिल की भी, तो उसमें भी वो गैप ईयर्स पे कि भाई मुझे ग्रिल कर दिया है, ये हो गया है, मुझे तो बहुत काउंटर किया उस पे, मेरी चॉइसेस अनजस्टिफाइड कर दी, तो वो थोड़ा रहा एक बैक ऑफ द माइंड कि इस चीज़ को मैं कैसे डील करूँगा। बट फिर देखा थोड़ा और बात की आसपास, तो लगा कि नहीं भाई ये डिसीजंस है, तुम हर एक डिसीजन तुम्हारा सही नहीं हो सकता, एंड यूपीएससी प्रिपरेशन इज द रीजन दैट यू आर हेयर, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजन, एंड इफ देयर इज सम फॉल्ट एक्सेप्ट दैट फॉल्ट, मीन्स डोंट अननेसेसरीली ट्राई टू जस्टिफाई थिंग, जस्ट से कि हाँ भाई अब 19-20 ईयर्स बंदे से अगर मिस्टेक्स नहीं होंगी तो किससे होंगी, बड़े बड़े लोगों से हो रही है, बाद में हो रही है, तो ट्राई टू टेक थिंग्स इन दैट फ्लो, आइडियल नहीं हो सकता बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। एक कम्युनिकेशन वाला एग्जांपल दिया था तुमने मुझे, आई वांट कि हम इंटरव्यू एंड करने से पहले वो एग्जांपल फिर से सुन ले तुम्हारे मुंह से। तो हाउ डिड यू यूज दैट दैट अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारे आसपास होता है इन दैट एग्जांपल? कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में अगर हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हो सकते हैं? यू आर गिविंग मी दैट एग्जांपल। या मीन्स जो मैनेजमेंट सिलेबस है वो भी थोड़ा आपको अपने आसपास दिख जाएगा, और अगर जैसे मैंने बोला कि न्यूज़पेपर थोड़ा आप फॉलो कर रहे हो, तो उसी में आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हर जगह का पार्ट है, तो वो आपको हर जगह एग्जाम्पल्स दिखेंगे, तो वो आपको निकालने पड़ेंगे उधर से, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम था भी थोड़ा, मैंने क्योंकि फेज टू प्रिपरेशन के लिए मैंने फेज 1 के एंड होने का वेट नहीं किया, मुझे पता था कि मुझे फेज 2 प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेगी, मुझसे वो 25 दिन में नहीं हो पाएगी, काफ़ी कैंडिडेट्स कर लेते हैं, बट मुझे वो थोड़ा अवेयरनेस थी अपने बारे में, मुझे वो पहले चीज़ कवर करनी पड़ेगी, तो वैसे ही मैंने वो चीज़ पहले कवर कर ली थी, और उसी टाइम जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ते हुए मेरे माइंड में आ रहे थे वो मैं उस टाइम में लिखता रहा, और फॉर्चुनेटली एंड में क्वेश्चन भी एक्चुअल एग्जाम में भी वैसा ही आया, तो वो मैंने यूज़ किया, ऑल द मार्क्स आउट नहीं है बट आई थिंक दैट वुड हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे जो भी एस्पिरेंट्स 2023 में लिखेंगे या उसके बाद लिखेंगे कि क्या वो करें और क्या ना करें टू मेक श्योर कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारी तरह एग्जाम क्लियर हो जाए? फॉर मी इट वॉज लुकिंग इनसाइड कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना, किस जगह से तुम पढ़ रहे हो, किसको पढ़ रहे हो, वो सब ठीक है बट वो आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन आप डिसाइड करो कि आप कितनी मेहनत डाल रहे हो, आप अपने वीक एरियाज को कितना एड्रेस कर पा रहे हो, ऑप्टिमाइज आपको करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, यू आर द वन सिटिंग ओवर देयर, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट, सो डिसाइड अकॉर्डिंगली, दैट इज माई। थैंक्स अ लॉट हरवीर, बहुत मजा आया बात करके। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आगे भी यू स्टे इन टच एंड यू कीप गाइडिंग स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर एज वेल। सो दिस वाज द सेशन विद हरवीर दैट वी हैड। आई होप जितने भी आरबीआई एस्पिरेंट्स हैं दे आर लाइकिंग द आरबीआई इंटरव्यू सीरीज दैट वी आर कंडक्टिंग। जो भी आपके डाउट्स हैं, इफ यू वांट टू आस्क हरवीर और यू वांट टू आस्क मी, कोई फीडबैक है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I'll see you very, very soon.
ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।